Welcome to Bind EduTech, and this is a continued class of the chapter Going Places, written by A.R. Barton. अभी हम लोग इस स्टोरी में उस पॉइंट पे हैं जहाँ पे सोफी जो है वो जॉफ से रात में जा कर के रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ वो उसके और डैनी कैसे के मुलाकात के बारे में किसी को कुछ ना बोले, ये रिक्वेस्ट करती है जा कर के। और वैसे जॉफ जो था वो बहुत क्लियरली बोलता है कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास ही नहीं करते तो इसमें दूसरा को हम क्या बताएंगे। लेकिन सोफ़ी रिजिड रहती है, बहुत बार उसको रिपीट करती है, प्लीज़ प्रॉमिस मी, प्लीज़ प्रॉमिस मी, बोलती है डैड वुड मर्डर मी। उसके बाद जो है वो जॉफ उसको समझाने की कोशिश करता है कि देखो सोफ़ी, तुम एक टीनेजर हो, उस वो एक स्टार है, देर इज़ अ डिफरेंस, वेरी बिग डिफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड। और समझाने की कोशिश करता है कि डैनी कैसे के तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स होंगी ऑलरेडी, लेकिन सोफ़ी किसी भी लॉजिक से, सोफ़ी जो है वो डिफेंड करने में लगी होती है डैनी कैसे को, उसकी अच्छाइयों को। और वो बोलती है कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड नो अदर गर्लफ्रेंड्स, कि वो उसने खुद मुझे बताया है। यहाँ पे उसका भाई हंस के बोलता भी है कि कोई भी लड़का किसी लड़की को इन बातों के बारे में नहीं बताता है, ये ऑब्वियस है। उसके बाद सोफ़ी जो है वो बात को थोड़ा और आगे बढ़ाती है, बोलती है कि हम उससे ऑटोग्राफ मांगे, इट वॉज मी हु स्पोक फर्स्ट, कि मेरे तरफ से पहले बात छेड़ा गया था और मैंने उससे ऑटोग्राफ मांगा, हम लोगों में कुछ बातचीत हुआ उस स्टोर में जो क्लोथ्स थे उनके बारे में, फिर मैंने ऑटोग्राफ मांगा डेरेक के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली हम दोनों के पास पेपर पेन नहीं था, इसीलिए ऑटोग्राफ नहीं ले पाई मैं। उसके बाद जब वो जाने लगा, सोफ़ी बता रही है कि जब वो जाने लगा तब उसने सोफ़ी को इनवाइट किया एक और मुलाकात के लिए। सोफ़ी बोलती है, अकॉर्डिंग टू सोफ़ी, यहीं पर हम लोग फिनिश किए थे प्रीवियस वीडियो में, कि जा रहा था जब वो, तो बोला इफ़ आई वुड केयर टू मीट हिम नेक्स्ट वीक ही वुड गिव मी एन ऑटोग्राफ देन, कि वो जाते हुए बोला कि अगर मेरी इच्छा हो और मैं अगर उससे नेक्स्ट वीक मिलना चाहूँ तो वो अपना ऑटोग्राफ ज़रूर देगा। और ये इनविटेशन सोफ़ी डिनाई तो कर नहीं सकती थी, तो ऑब्वियसली सोफ़ी ने कहा ऑफ कोर्स आई सेड आई वुड। सोफ़ी अपने भाई को बता रही है कि मैंने उससे कहा कि बिल्कुल मैं नेक्स्ट वीक ज़रूर आपसे मिलना चाहूँगी। और इस तरह से सोफ़ी जो है वो अपने और डैनी कैसे के कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाती है कि एक बार तो मुलाकात मेरी हुई, ये बातचीत भी हुआ हम लोगों में, और आगे बढ़ाती है उसको कि आगे भी नेक्स्ट वीक में मिलने का प्रोग्राम तय हुआ है उस, और इनविटेशन डैनी के तरफ से है, डैनी ने खुद सोफ़ी को ये इनविटेशन दिया है। तो अब नेक्स्ट वीक फिर से डैनी कैसे से मिलने का प्रोग्राम है, ये नई जानकारी
सोफी है वो अपने भाई जॉफ को देती है कि नेक्स्ट वीक फिर वो बोला है कि मिलेगा हमसे और उस समय हमको ऑटोग्राफ देगा। अब ये सब बात सुन करके उसका भाई जॉफ का क्या रिएक्शन है, जॉफ जो है उसका सेंटेंस पढ़ो पहले, लिखा है एज इफ ही वुड एवर शो अप। जॉफ बोलता है कि हाँ हाँ रहने दो, वो मिलने के लिए तुमसे आ रहा है नेक्स्ट वीक, ये मैं देख लेता हूँ। मतलब कि वो तो वैसे भी बिलीव नहीं करता था सोफी की बात पर, तो वो उसको इस सेंटेंस से बोलता है एज इफ ही वुड एवर शो अप, मतलब मजाक उड़ाता है और सोफी को बोलता है कि ना तो तुम्हारी कोई मुलाकात हुई है और ना आगे कोई मुलाकात तुम्हारी होने वाली है, इस तरह से बोलता है वो। सोफी बोलती है डू यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू। सोफी बोलती है कि देखो जॉफ, मैंने इतने डिटेल में तुमको सब कुछ बताया अभी तक, तो क्या अभी भी तुमको मेरे बातों पर विश्वास नहीं है? यू डू बिलीव ऑन मी नाउ, कि अब तो तुमको मेरी बातों पर यकीन होना चाहिए, बिलीव होना चाहिए। डोंट यू, क्या तुमको अब भी मेरी बातों पर यकीन नहीं है? सोफी सीधा सीधा पूछती है जॉफ से कि मैं इतनी सारी बातें जो मैंने तुमको बताई, हमारे बीच हुई बातों को भी मैंने बताया, अगले नेक्स्ट वीक फिर से मिलने का इनविटेशन है, प्लान है, ये भी बताया, क्या अब भी तुमको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है जॉफ? तो जॉफ जो है वो इसका तुरंत रिप्लाई नहीं देता है ना, लेकिन रिप्लाई देता है, पहले पढ़ लो, रिप्लाई देगा पर उसके पहले कुछ कुछ अपना काम करता है, तब रिप्लाई देता है इस सेंटेंस का डोंट यू, कि क्या तुमको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है सोफी, इसका जवाब देगा आगे। ये सोफी जब पूछती है ना, तो जॉफ जो है मैंने बताया तुरंत कोई जवाब नहीं देता। ही ड्रैग्ड हिज जैकेट विच वॉज शाइनी एंड सेपलेस फ्रॉम द बैक ऑफ द चेयर। वहां चेयर पर उसका जैकेट रखा हुआ था जॉफ का, तो वो चेयर पे रखे हुए अपने जैकेट को उठाता है, ड्रैग हिज जैकेट मतलब पुल्ड हिज जैकेट, पिक अप हिज जैकेट, वो अपना जैकेट उठाता है। जैकेट कहाँ रखा हुआ था? द बैक ऑफ द चेयर, चेयर के पीछे लटकाया हुआ था जैकेट, और उसका जैकेट को भी डिस्क्राइब किया है शाइनी एंड सेपलेस, है ना, शाइनी था और सेपलेस वर्ड मतलब कि इन अ बैड शेप, मतलब कि वो पुराना हो चुका था। ये शेपलेस वर्ड से नेगेटिविटी झलकता है कि उसका वो जैकेट जो था उसकी हालत अब खराब हो गई थी, जैसे शूज होते हैं ना, तो शूज को अगर आप लंबे समय तक यूज़ कीजिएगा तो जब उसका टाइम पूरा हो जाता है तो शू भी सेपलेस हो जाता है, जूता भी जो है उसको देखिएगा सेपलेस हो जाएगा, मतलब वो उसका पूरा पैसा वसूल हो गया। तो उसका जैकेट के बारे में बताया गया कि जैकेट रखा हुआ था बैक ऑफ द चेयर, चेयर पे ऐसे रखा हुआ था, जैकेट उठाया, उसका जैकेट शाइनी था एंड शेपलेस, दोनों वर्ड याद रखना, शाइनी एंड सेपलेस था उसका जैकेट। एंड पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट, और पुश्ड हिज आर्म्स इनटू इट का मतलब हुआ कि जैकेट उसने पहन लिया, जैकेट उठाया, जैकेट में हाथ अपना घुसाया और जैकेट उसने पहन लिया, जैकेट शाइनी था, जैकेट शेपलेस था।
अब यहां पे सोफी जो है वो अपने भाई को जब जैकेट पहने हुए देखती है, जैकेट पहनते हुए, फिर जब जैकेट पहन लेता है, तो सोफी अपने भाई जॉफ के लुक्स के बारे में कुछ इमेजिन करती है ना, कुछ विश करती है अपने भाई जॉफ के ड्रेसिंग, उसके अपियरेंस और उसके लुक्स के बारे में। यहाँ से सोफी बताएगी, लिखा है, सोफी विश्ड, सोफी की ये इच्छा थी, ही पेड मोर अटेंशन टू हिज अपियरेंस। ही यहां वो अपने भाई के लिए यूज की है, जॉफ के लिए। तो सोफी ये चाहती थी कि उसका भाई जॉफ जो है वो अपने अपियरेंस के तरफ ज्यादा ध्यान दे। ही विश्ड ही पेड मोर अटेंशन, ज्यादा ध्यान दे वो अपने अपियरेंस के तरफ। सोफी ये बात किसके लिए बोल रही है? अपने भाई जॉफ के लिए। वो चाहती है कि वो अपने अपियरेंस के तरफ ज्यादा ध्यान दे, ध्यान देना चाहिए उसको। विश्ड ही केयर्ड मोर अबाउट क्लोथ्स, और अपियरेंस जो है वो क्लोथ्स से जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी ये भी इच्छा थी कि जॉफ जो है उसको अपने कपड़ों का भी ख्याल रखना चाहिए। अटेंशन पे टू हिज क्लोथ्स, ही केयर्ड मोर अबाउट हिज क्लोथ्स, कि जिस तरह से वो अपने कपड़े का ध्यान रखता है उससे ज्यादा ध्यान उसको अपने कपड़ों का रखना चाहिए, अपना ज्यादा ध्यान अपने अपियरेंस का रखना चाहिए। सोफी ऐसा चाहती थी। ही वॉज टॉल विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, अपने भाई को ये डिस्क्राइब कर रही है। ही वॉज अ टॉल विथ अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस, ये वर्ड्स याद रखना, ये अपने भाई को के लिए वो डिस्क्राइब की है कि उसका भाई जो था वो लंबे कद का था, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था उसका। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अब उसका भाई टॉल था, स्ट्रॉन्ग डार्क फेस था, और आगे लिखा है, हैंडसम शी थॉट। और सोफी को लगता था कि अगर उसका भाई अपने अपीयरेंस पे ध्यान देगा, अपने क्लोथ्स पे ध्यान देगा, तो जैसी उसकी लंबाई है और जैसा उसका फेस है, वो काफी हैंडसम दिखेगा। मतलब वो चाहती थी कि उसका भाई भी अपने लुक्स पर ध्यान दे, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो ज़्यादा अटेंशन देगा अपने लुक्स पर तो वो हैंडसम दिखेगा। अभी हैंडसम नहीं दिखता है क्योंकि अभी वो अपने अपीयरेंस और अपने क्लोथ्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है, बट अगर देने लगेगा, हैंडसम शी थॉट, कि उसका भाई बिल्कुल हैंडसम दिखेगा। ये सोफी जो है अपने भाई के बारे में सोचती है इन तीन सेंटेंसेस में, तीन लाइंस में। इम्पॉर्टेंट है कि सोफी अपने भाई के बारे में उस समय क्या सोचती है, उसके कपड़ों के बारे में, उसके अपीयरेंस के बारे में, सोफी की क्या इच्छा थी, ये सब क्वेश्चंस किसी न किसी तरीके से यहाँ से पूछा जाता है। तो दो इच्छा सोफी की, दो इच्छा याद रखना है। पहली इच्छा कि अपने अपीयरेंस पर अटेंशन दे उसका भाई, ठीक है। दूसरी इच्छा कि अपने क्लोथ्स को ज्यादा केयर करे, केयर मोर अबाउट क्लोथ्स, और अगर ये दोनों चीजें करता है तो उसका जो फिजीक है, ही वॉज टॉल, ही हैज अ स्ट्रॉन्ग डार्क फेस एंड ही विल लुक हैंडसम शी थॉट। वो अपने भाई के बारे में
ये सोचती है कि उसका भाई भी अगर ध्यान दे अपने लुक्स पर तो वो भी हैंडसम लगेगा। अब जो सवाल सोफी ने यहाँ किया था उसका जवाब यहाँ दिया है जॉफ ने उस रूम से निकलते हुए। वो जैकेट पहन करके उस रूम से निकल रहा था, ही वॉज लीविंग द रूम, और जाने से पहले उसने सोफी के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें सोफी ने उससे पूछा था, यू डू बिलीव मी नाउ डोंट यू, कि अभी भी तुमको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है। ये सवाल सोफी का था, उसका जवाब दे करके वो निकल जाता है। जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज द अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड ही सेड। अनलाइकलीस्ट को सिंपल वर्ड में इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल वर्ड तुम समझ सकते हो इसको, अनलाइकलीस्ट को आसानी से अगर ना समझ में आए तो इम्पॉसिबल समझ लो इसको, ठीक है, वहां से मीनिंग निकल जाएगा। कि वो बोलता हुआ जाता है कि सोफी अभी तक मैंने अपने लाइफ में जितनी भी बातें सुनी हैं उन सभी में तुम्हारी जो कहानी है कि तुम डैनी कैसे से मिली थी वगैरह वगैरह, ये जो तुम्हारा स्टोरी है ना, ये मोस्ट इम्पॉसिबल है। मतलब कि अब मेरे लाइफ में कभी मैंने इतना इम्पॉसिबल ड्रीम, इतना इम्पॉसिबल स्टोरी मैंने नहीं सुना। और इसका मतलब ये होता है कि स्टिल नाउ अभी भी जॉफ डज नॉट बिलीव अबाउट द मीटिंग बिटवीन हर सिस्टर एंड डैनी कैसे। ये सेंटेंस जो है इसका मतलब ही निकल रहा है कि जॉफ को किसी कीमत पर विश्वास नहीं है, नहीं होगा कि सोफी जॉफ से, सोफी डैनी कैसे से मिली थी वगैरह वगैरह जो स्टोरी वो बनाई है। तो ये वर्ड याद रखना इंपॉर्टेंट, अनलाइकलीस्ट थिंग आई एवर हर्ड। एवर मतलब कि मैंने जितनी भी बातें अभी तक सुनी हैं, बड़ी बड़ी बातें सुनी हैं, लेकिन तुम्हारा जो स्टोरी जो तुम सुनाई हो हमको, ये सबसे अनलाइकलीस्ट है। मतलब ये मोस्ट इम्पॉसिबल में से है। मतलब कि वो स्पष्ट रूप से बोलना चाहता था दैट आई डोंट बिलीव इन योर स्टोरी येट, कि अभी भी मैं तुम्हारे द्वारा सुनाई गई कहानी पर विश्वास नहीं करता। सोफी ने सोचा कि अगर मैं अपने भाई को और डिटेल में बताऊंगी कि मेरे हमारे बीच क्या बातचीत हुआ था वगैरह वगैरह, तो शायद भाई को विश्वास हो जाएगा। ये सोच करके सोफी ने वो डिटेल्स बताया था, मगर कोई फायदा नहीं है। जाते जाते उसका भाई बोल के जाता है कि सोफी, मैंने अभी तक जिंदगी में जितनी भी इम्पॉसिबल चीज़ें सुनी हैं उसमें, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल ये तुम्हारा वाला स्टोरी है जो तुम बता रही हो अबाउट योर मीटिंग विथ डैनी कैसे। तो बिलीव नहीं करता है जॉफ किसी भी तरीके से, और ये जाते जाते बोलता है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कुछ दूर तक देखे थे, यहाँ तक हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लिए थे, मस्ट हैव मैनी गर्ल्स पीसफुल सरप्राइज्ड, ये एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख लिए थे, ठीक है। यहाँ यहाँ तक हम लोग एक्सप्लेनेशन में देखे थे,
और अभी जो हम लोगों ने फिर पढ़ा, उसी बातचीत का जो पार्ट आगे का पढ़ा, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से लिखा हुआ है, वही चीज़ें हैं, अलग अलग वर्ड्स में रिपीट की हुई हैं। सोफी जॉफ को बताती है कि उसने पहले डैनी कैसे को टोका था, ठीक है, जब उसने उसको रिकॉग्नाइज किया, जब पहचाना, तो उसने पूछा इफ़ ही वॉज डैनी कैसे, कि क्या आप डैनी कैसे हैं। तो उसके पूछने पर डैनी कैसे जो है वो सरप्राइज्ड हो गया एट हिज क्वेश्चन। ये सवाल भी उठ सकता है कि डैनी कैसे क्यों सरप्राइज्ड हुआ ये सवाल सुन करके। तो परहैप्स में जवाब दे सकते हैं इसका कि शायद डैनी कैसे जितना पॉपुलर स्टार था, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई उसको देख करके और नहीं पहचानेगा और उसको अपनी पहचान बतानी पड़ेगी, इसीलिए वो सरप्राइज हो जाता है। फिर बोलता है ही रिप्लाइड दैट ही वॉज डैनी कैसे, कि हाँ मैं डैनी कैसे ही हूं। और जैसे ही वो बोलता है तो सोफी उसके एक्सेंट से पकड़ लेती है कि हाँ ये सच में डैनी कैसे है, ये बात यहां बताया गया। एंड आई बिकेम श्योर दैट ही वॉज डैनी कैसे, हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एक्सेंट हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग हैव वॉज एग्जैक्टली सेम एज शी हैड सीन ऑन अ टीवी इंटरव्यू। सोफी ने बताया कि उसने जब बोला तो मैं तुरंत उसका बोलने का स्टाइल पहचान गई, क्योंकि मैंने बहुत सारा इंटरव्यू उसका टीवी पे देखा है, तो उसका जो बोलने का स्टाइल है उससे मैं श्योर हो गई कि वो डैनी कैसे ही है। फिर सोफी बताती है कि उसने डैनी कैसे से ऑटोग्राफ मांगा, ठीक है, किसके लिए, अपने यंगर ब्रदर डेरेक के लिए। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह था कि नाइदर सोफी नॉर डैनी हैड अ पेपर और पेन, कि दोनों में से किसी के पास पेपर पेन था नहीं, तो ऑटोग्राफ मिला नहीं। फिर उन्होंने कुछ बातें की थी, सो दे टॉक्ट अबाउट क्लोथ डिस्प्लेड एट रॉयसे। तो उन्होंने फिर थोड़ी देर जो जिस स्टोर में वो लोग थे, रॉयसे नाम के स्टोर में, वहां जो क्लोथ्स लगे हुए थे उनके बारे में उन्होंने थोड़ी देर बातचीत की। और सोफी ऑब्जर्व करके बताती है ही सीम्ड लोनली, कि वो बहुत अकेला दिख रहा था, और बोलती है बिकॉज ही वॉज फार अवे फ्रॉम हिज होम सिचुएटेड इन वेस्ट पार्ट ऑफ आयरलैंड, क्योंकि वो बहुत दूर था अपने घर से और उसका घर था वेस्ट पार्ट ऑफ आयरलैंड में। तो घर से जो उसका लॉन्ग डिस्टेंस था, इस वजह से शायद वो लोनली दिख रहा था। सोफी को ऐसा फील होता है कि वो अकेलापन महसूस कर रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसका घर काफ़ी दूर है, वो रहता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड में, ठीक है। उसके बाद वाइल गोइंग, जब डैनी जाने लगा तो सोफी से उसने कहा कि अगर तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिलना चाहो, अगर तुम मुझसे नेक्स्ट वीक मिलना पसंद करो, तो मैं तुम्हें ऑटोग्राफ जरूर दूंगा। सोफी खुशी खुशी एग्री हो जाती है। ये सारी बातें सोफी अपने बड़े भाई जॉफ को बता रही है। जॉफ सुनता है नेक्स्ट वीक के मीटिंग के बारे में तो मजाक उड़ाता है, बोलता है डैनी वुड नेवर कम अगेन टू मीट हर, कि डैनी आने वाला नहीं है, पहले भी नहीं तुम्हारा मीटिंग हुआ है ना तो आगे तुम्हारा कोई मीटिंग होगा। लेकिन सोफी बोलती है कि अब तो जॉफ को उसकी बात पर विश्वास हो जाना चाहिए। तो सोफी उससे जो पूछती है डोंट यू बिलीव मी नाउ, अब भी तुमको मुझ पर विश्वास नहीं है क्या, तो जॉफ जो है उसका जवाब तो देता ही है, लेकिन उसके पहले वो क्या करता है, अपना जैकेट उठाता है, जो चेयर बैक ऑफ द चेयर रखा हुआ था, इट वॉज शाइनिंग बट वॉज सेपलेस। जैकेट जो था वो शाइनिंग था बट सेपलेस था, मतलब है दैट इज नॉट वेल मेंटेन्ड,
उसका जैकेट जो था वो अच्छे से मेंटेन किया हुआ नहीं था, ठीक है। ही वोर द जैकेट, वो जैकेट पहन लेता है। सोफी फिर अपने भाई के बारे में जो सोचती है, सोफी होप करती है जॉफ शुड बी मोर केयरफुल अबाउट हाउ ही लुक्स। सोफी जो है ये विश करती है कि काश उसका भाई जॉफ जो है वो अपने लुक्स के तरफ ज्यादा ध्यान देता। सोफी ये होप करती है, उम्मीद करती है कि जॉफ जो है वो अपने कपड़ों की तरफ भी ज्यादा केयर करना चाहिए उसको, ताकि उसका जो अपीयरेंस है वो अच्छा लगे। सोफी थॉट ही वॉज टॉल एंड हैड अ स्लाइटली डार्क कलर्ड फेस दैट लुक्ड स्ट्रॉन्ग। उसका जो स्ट्रॉन्ग डार्क फेस बोला गया था उसको यहां बताया गया कि सोफी अपने मन में सोचती है कि वैसे भी उसका भाई जो है उसका फिजिक जैसा है, मतलब जैसा फिजिकल स्ट्रक्चर है उसका, लंबा है, एक स्ट्रॉन्ग स्लाइटली डार्क फेस है उसका। शी थॉट जॉफ लुक्ड हैंडसम, कि अगर उसका भाई थोड़ा और ख्याल रखे तो वो और हैंडसम लग सकता है, ठीक है। और जाने जाते जाते जॉफ ये बात रिप्लाई करके गया। जॉफ रिप्लाइड दैट इट वॉज द अनलाइकलीस्ट थिंग दैट ही एवर हर्ड। जॉफ बोल के जाता है कि सोफी तुम पूछ रही हो कि मुझे अभी तुम अभी भी तुम्हारी बातों पर यकीन हुआ कि नहीं, तो इसका जवाब ये है कि मैंने अपने ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किल बातें, इम्पॉसिबल बातें सुनी हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉसिबल तुम्हारा ये कहानी है जो तुम सुना रही हो। ये बोल करके जॉफ जो है रूम से बाहर चला जाता है। इसके आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर वापस टेक्स्ट में आएंगे। थैंक यू।